Surprise! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear baby! इनकी भाभी और मेरी बेबी, तो उनका है आज बर्थडे, सबको पता होगा। जैसे कि आज है ओमी का बर्थडे, मीन्स के हो ही गया, एक घंटा रह गया, तो आप सब ने जाके उनको खूब सारा स्पैम करना और इतने सारे हैप्पी बर्थडे विश करनी है। और कल है हमारा निकाह, मीन्स के कल ही इसकी बर्थडे, कल ही हमारा निकाह है। और वो पता है आप लोगों को क्या चाहती थी भाभी, वो शुरू से बोलती थी कि मेरी जिस दिन शादी हो ना उस दिन ही मेरा मीन्स के बर्थडे भी हो। और देख लो कैसे नसीब वाली, मीन्स के उसके मुँह से जो चीज़ निकलती है ना वो चीज़ होती है। और देख लो उसकी बर्थडे भी है और उसका निकाह भी है, और दोनों चीज़ें बहुत अहम है। लेकिन मेन चीज़ जो कल है ना वो बहुत ही उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। और मैं उसको अगर हमारा दो मिनट बंद कर लूँ, और अगर कल हमारा जो ना निकाह ना होता तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ था, बट कोई बात नहीं फिर कर लेंगे। और जो ये सरप्राइज है ये तो उससे भी बढ़कर है, ये उसकी ज़िंदगी चेंज करने वाला है। तो बस ये कि सदा हमारे साथ खुश रहे और ऐसे ही रहे, खुदा उसको हमारे अंदर इतना खुश रखे, इतना खुश रखे। आप सब दुआएं करनी है बहुत सारी, ठीक है? और यूँ भाभी ने पिज्ज़ा ये पोमी को गया, समझो उसके मुंह में गया। तो थैंक यू सो मच, आप सबने इतना प्यार दिया और मीन्स के बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे करते रहे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी यार। तो कुछ ऐसा व्लॉग आने वाला कि मम्मा जो ना करने लगी है वरी बैक, तो मम्मा ने बोला बेटा आज तुम्हें व्लॉग बनाना है, ठीक था। कल थोड़ी सी हम लोगों से ना बहुत ज़्यादा मिस्टेकें हुई हैं, मीन्स के मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता ना कि स्टेज पर जब बैठ जाते ना इंसान तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती, फिर साउंड चल रहा था, सारी चीज़ों की वजह से ना कुछ भी नहीं सही से बन पा रहा था। और मैं इतना कंफ्यूज हो रहा था कि मेरा व्लॉग नहीं बन पा रहा, ऊपर से मोबाइल बंद हो गया, चार्जिंग नहीं थी, पावर बैंक भी नहीं था। पावर बैंक इसका दूसरा वाला है, इसकी लगती है वो दूसरी चार्जिंग है, जैक वाला नहीं है, दूसरा ये। तो अभी फिलहाल अम्मी बात हूँ, अम्मी से, अम्मी जो ना सारी की सारी वरी पैक कर रही होती। ये देखिए, हाँ अम्मी जी, दो मिनट बैक कैमरा करूँ, ये हो रहे हैं यहाँ पर सूट पैक, मम्मा सूट पैक कर रही है यहाँ पर, और ये भी एक फ्रोजी उनका है। चलो मम्मा जी आप करो सूट पैक जब तक मैं फ़ोन चार्ज कर लूँ, ठीक है? मैं ऊपर बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। और ये वाली जो है ना सूट जो ना मरी लाई अम्मी, ये वाली पहन लाई है, दिखा दूँ थोड़ा सा आपको, ऊपर देखें ऊपर, हेलो एक्सक्यूज मी नारियल, ऊपर देखिए प्लीज़, हेलो। ये हमारा कद्दू बड़ा प्यारा लग रहा था कल, दोनों बेटियाँ लेकर आई हैं इसका सूट। हाँ मेरा भी भाई का भूल गए थे, हैं भाभी का लेना आ गया है, भाई को याद कोई नहीं करता। ओ ये क्या है, ये मेरा क्या है, सेहरा, वाह थैंक यू सो मच। ये जो ना बहनों की तरफ से होता है, और ये हमारी कद्दू बहन है जो लेकर आती है, थैंक यू सो मच आपके लिए कि आप हमारी सारी चीज़ें लाते हो। और ये इनके जीजू बहुत अच्छे हैं यार, हमारे जीजू बहुत अच्छे हैं, हमारी बहनें पता नहीं क्या कर जाती हैं। ये मम्मा ने सारी भरी पैक कर दी, बैग भर गया एक, ही होता है ना भाई, बहनों तो हमारे, हमने बोला जाओ भाई जाओ, जीजों की तारीफ होती है। तो ये मम्मा ने एक बैग भर दिया उनका, दूसरा अम्मी उनके और कपड़े हैं, सात या आठ ड्रेस हैं दर्जी के पास, आठ हैं, ये दस हैं, ज़्यादा हैं, उसके उसको भी मैंने उस दिन लेकर दिए थे, पता नहीं उसने दर्जी को दिए नहीं, हाँ अगर वो भी मिलाएंगे तो हाँ चलें, बहुत है। खाली भाई लेकर आए, पैसे अभी और भी आएंगे, ये है बरात के लिए लुटाने के लिए, क्या बात है, अभी तो मेरी डड्डू बहन भी लाएगी। और हम बैठे हुए थे फ्री, और सिस्टर ने बोला बेटा क्यों फ्री बैठा हुआ, चला जा जल्दी से, आज मैं तेरे को मलूंगी उपटन। और मैंने बोला ठीक है भाई, मल लो, कहाँ कहाँ मलना है आपने, बोली टांगों पर और बाजू पे, गर्दन पे, मीन्स के नेक पे और फेस पे। मैंने बोला नहीं लगाना, पिंपल ना आ जाए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं थोड़ी बहुत लगा ले, अच्छा। और ये है ब्लोची उपटन, ये बहुत अच्छा है जो लगा रही, मुझे उस दिन से बोल रही कि तू लगाता नहीं। मैं क्या करूँ यार, कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी नहीं। तो आप लोग देख रहे हो कि रोमी भाई क्यों सैड हो, क्यों? अरे मेरी वीडियो पहली वाली पे आया कॉपीराइट, आपको जैसे कि बताया था, आप लोग बोल रहे थे ना कि मुझे साउंड चाहिए भाई, आप जो ना डांस के साथ साउंड लाए ताकि समझ आए कि गाना कौन सा है कौन सा नहीं। उस चक्कर में कॉपीराइट पड़ा, मेरे व्यूज़ इतने अच्छे आना स्टार्ट हो गए थे, तो वो कॉपीराइट की वजह से इतने पहले 2 दिन कॉपीराइट पड़े, वो काम ही हो गया। मैं अच्छा हो गया, मैं वीडियो जो ना सबसे पहले रिमूव कर ली। और अभी जो ना मैं काफ़ी टाइम से जो ना ये सोच रहा था क्या करूँ, परेशानी में बैठ गया शाम से। फिर सिस्टर ने उपटन लगाया, जैसे कि आपने देखा होगा वो उपटन लगाई थी, तो तब भी परेशानी में बैठा था, दिल नहीं जा कर रहा कि ब्लॉग बनाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बना ले, थोड़ा बहुत तो बना। तो उनको मैंने बताया कि मुझे कॉपीराइट पड़ चुका है, तो अभी मेरे ख्याल से शाम से आप हिसाब लगा लो 10:30
दस बजने वाले और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मैं अभी फिर से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला नहीं यार चलो कोशिश करते हैं कुछ और करने की, कुछ नया ट्राई करने की। और हमारे आए थे पैंट कोट, और मेरे पास दो पैंट कोट है, और दोनों में से कौन सा पहनने वालों ये मैं आपको अभी बताता हूँ कौन सा पहनता हूँ। तो चलते हैं अपने कोटों की तरफ जल्दी से, और ये रहा वो वाला कोट, हम देखते हैं आपको दिखाते हैं, बल्कि निकाल के दिखाते हैं और पहन लेते हैं। क्या बोलते हो, पहन लूँ? चलो पहन के दिखाता हूँ। एक मसला फिर से, पता नहीं क्यों ऐसा होता है यार, अब भाई को भेजे थे हमने जो ना ये वाला कोट है, एक और कोट है, और उनमें से क्या डिसाइड होने वाला कौन सा पहनूँ कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। और वो जो ना शर्ट आज के आज ही हमने सिलवाई, और उनको बोला था कि रात को दे देना, तो उन्होंने बोला रात को आके ले जाना, बड़ी जिद्दबाजी के बाद उन्होंने रात को नहीं तो देते नहीं है। रात को वो मान के थे लेकिन देते नहीं है, वो रात को पता नहीं कैसे स्टिच करके दे दी। और अब जो ना भाई को बोला था लेते हुए आना, भाई वापस आ गए घर पे, और फिर जाएंगे फिर वहाँ पे दुकान से लेकर आएंगे। और रात के 10 बज गए, वो बोला मैं दुकान बंद कर दिए, और अभी बच्चे को बाहर खड़ा गया, बच्चा बाहर खड़ा वो आपको दे देगा। अब मेरे को ये भाई मेरे को बोला जल्दी से इधर आ, और यहाँ से मेरे पास से आके ले जा, तो मैं जा रहा हूँ वापस लेने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ बाहर से पहले ले आऊँ शर्ट, फिर उसके बाद जो ना ये करता हूँ उसको दिखाता हूँ यार बाद में भी, पहले ये टेंशन दूर करे। मैं ना भाई के साथ खुद ही जाने लगा क्योंकि भाभी आगे रुक गई, वो बोला चल तू ही साथ चल, मैं खुद ले आता हूँ, लेकिन मम्मा नहीं निकलने दे रही, मम्मा सोई है तो मैं इसलिए जा ही रहा हूँ। चलो बाहर का भी टूर मार गया, इतने दिन हो गए बाहर निकले ही नहीं हुआ यार। जी कॉपर मार्केट आ गया, बस वो बेसमेंट खुली हो, बेसमेंट मेन चीज़, हमें बेसमेंट चाहिए जहाँ हमारी शॉप खुली हुई है तेरी। एक इससे लेना है और एक नीचे बेसमेंट वालों से लेना है। खुली हुई है, बंद हो गई है, खुली खुली। आप इधर रुको मैं लेकर आ रहा हूँ। बंदे की मेहरबानी रुकी हमारे लिए यार, नहीं तो निकाल लेट हो जाता इसकी वजह से, पता है क्योंकि घर वाले सब यही बोल रहे थे। वैसे शर्टें मेरे पास बहुत वाइट पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बोलते नहीं शादी पे निकाह पे हर एक चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी। वहीं से घूम के लो भाई, हमारे साथ अजीब सीन चल रहा है, वो रास्ता बंद हो गया। घूम के रास्ता कौन सा है समझ नहीं आ रही, कौन सी साइड पर आ गया। अब जहाँ भी आ गया मेन रोड पर निकल गया, बाहर समझ लग जाएगी। नहीं अच्छा लग रहा है, देखो डिस्प्ले अच्छी लग रही है। नहीं वाकई मैं देखा ना, पता चल रहा है यहाँ दुकान में रौनक है। नीचे थोड़ा सा ना वो है अभी छुपन छुपाई, वो आया इधर बाइक लगाया इधर आ गया। तो ये ना ये भी किसी को बाइक का किराया नहीं हो भाई, मैं इधर ही हूँ सामने, 30 रुपये भी इनको देने पड़ेंगे भाई, मैं इधर ही हूँ। तो भाई जो ना भाभी के लिए कुछ लेने के लिए गए, उनको भूख लगी हुई है। हमने तो बोला भाई टेंशन जितनी मर्जी हो, पेट को नहीं खाली रखना, पेट को डबा डब रखा हुआ हमने उसको, हमने बोला तुमने खाली नहीं रहना, जैसे खाली हो थोड़ा सा बस झलक दे, तेरे को भरने का हमारा काम है। और मैं तो फिलहाल रोटी छोटी खा ली थी, सही वाली चावल बने थे घर के साथ, को आप खाए थे तो आप बचे हुए थे कल के थोड़े बहुत, हमने बोला चलो इसको मट देते हैं, क्यों ना ख़राब हो जाएंगे तो फ़ायदा नहीं। आए थे पीछे जो ना कारें करवाई है जिनसे, रेंटा कार वाले, उनसे जो ना हमने कार पूछनी थी, बड़ी कार फॉर्च्यूनर हो या वीगो हो, इन दोनों में से एक कार हमें चाहिए, जैसे कि निकाह होगा आउटडोर शूट है और बहुत अच्छा लगेगा। बट वो कार वाला बैठे नहीं था, तो भाई ने बोला कुछ और नहीं लेना, रोल नहीं लेना, भाभी को पसंद है पिज़्ज़ा, उन्होंने ले लिया भाई यहाँ से पिज़्ज़ा, यहाँ से पिज़्ज़ा लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे घर और व्लॉग को करेंगे। शुक्र है यार मेरी शर्ट मिल के निकाह की, क्योंकि वो मैं कल भी पहननी थी। अब दो कोड है, दो मैं जो ना आपको कल ही दिखाऊंगा, अभी जो ना टाइम काफ़ी हो गया और व्लॉग भी पोस्ट करना है, मेरे ख्याल से 11 बजने वाले। तो बस ये कि आज का व्लॉग जो ना हमारा यहीं तक की, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, टॉक द लाइक, क्योंकि आज मैं बहुत सैड हूँ, मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ चुका था जो कि डिलीट हुई, और बैक वाली वीडियो जाके फिर से एक दफ़ा देख लेना। और सगनों की सूट अभी हो रहे हैं माशाल्लाह से, काफ़ी सूट है, लेकिन वो दिखाएंगे कल, दिखा देंगे, कल है मेरा निकाह, और शुक्र है खुदा का कल मिलते हैं, कल ही आपको दोनों कोट दिखा दूंगा, दोनों में से कौन सा पहनेंगे कल चॉइस करेंगे, तैयारी पे, बाय बाय।